बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी। ये मेरे पास कपड़े के पीस हैं जो कि हमारी कमीज में से बचे हुए हैं, तो मैं इससे आपको बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी। ये बेबी फ्रॉक मैं फ्रिल वाली बना रही हूँ। ये भी मैं इसका योग बनाऊंगी, तो ये भी मेरे पास चार पीस हैं। इसमें भी मैं इसके सेंटर में जोड़ लगाऊंगी। ये मैं इसकी लंबाई 7 इंच है और इसका शोल्डर में 5 इंच रखूँगी। और आर्म होल वो भी 5 इंच पे निशान लगाएंगे हम, और इसकी गुलाई कर देंगे। इस तरह से हम तिरछा निशान लगाएंगे। और इसकी कमर की लंबाई चौड़ाई हम 6 इंच पे रख रहे हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी सिलाई का निशान है और हमने इसमें थोड़ा कपड़ा बढ़ा कर लिया है। आधा इंच पे हम इसकी गुलाई कर देंगे, हल्की सी गुलाई करना है हमें। और ये इसका सेंटर है। बैक साइड की हम इसमें बटन पट्टी बना देंगे इसी तरह, और भी फ्रंट में हम जोड़ लगाएंगे। एक पीस ये है मेरे पास, इसकी लंबाई 16 इंच है। इस तरह से मैं योक रखकर इसकी 16 इंच लंबाई ले रही हूँ। अब इसकी थोड़ी हम एयर लाइन कटिंग करेंगे। इस तरह से अभी ये हमारे पास कपड़ा है, तो हम इसकी इसमें फ्रिल बनाएंगे। ये देखें, इस तरह की मेरे पास पट्टियां हैं। इसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई इसकी 27 इंच है। अब मेरे पास ये पट्टियां हैं, इसी में से मैं 3 फ्रिल निकालूंगी। पहले मैं नीचे के साइड में जो फ्रिल लगाएंगे, उस ऊपर दूसरी फ्रिल हम 2 इंच छोटी ले लेंगे, क्योंकि मेरे पास ये कपड़ा है, इसमें से ही मुझे तीनों फ्रिल बनाना है। इसमें थोड़ा जोड़ लगाऊंगी मैं। ये देखें, ये पीस है मेरे पास, मैं इसमें जोड़ कर फिर इसकी फ्रिल बनाऊंगी। इस तरह से हम इसमें जोड़ लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से 3 फ्रिल हमें तैयार करना है। हर पट्टी में मैंने 2-2 इंच का फर्क करा है। अब हम इस तरह से फ्रिल बनाकर जो हमने नीचे कपड़ा रखा है, इसके ऊपर हम इसके इस तरह से जोड़ेंगे। और फिर हम इसका योग इस तरह से इस पे जोड़ कर अब हम इसका नेक काटेंगे। ये पहले मैं बैक साइड के नेक की कटिंग कर रही हूँ। 1.5 इंच चौड़ा, 2 इंच चौड़ाई और 1.5 इंच लंबाई पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और फ्रंट के नेक को मैं थोड़ा और बढ़ाऊँगी, और इसकी गहराई मैंने 2.5 इंच रखी है। ये हमारे 2.5 इंच का नेक का काटा है हमने इसका फ्रंट का। ये हमारी कटिंग हो गई, अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। पहले हम ये योक में सेंटर में जोड़े हम ये लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है, इसमें हम इस तरह से जोड़ लगाएंगे। और ये बैक साइड है, इसमें हम
बटन पट्टी बनाएंगे। ये देखें हमने इसमें जोड़ लगा लिया है। अब हम जोड़ को छुपाने के लिए हम इस पे ये जो बॉर्डर वाली पट्टी है ये लगाएंगे। ये हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी बनाई है इसकी। इस तरह से मैं इस पे लगा दूंगी तो ये जोड़ पता नहीं लगेगा कि ये जो जोड़ है इधर। इस तरह से हम रखकर इस पे सिलाई करेंगे। ये देखें ये हमने इस पे पट्टी लगा ली है। ये इस तरह से ये जोड़ भी छुप गया है और डिज़ाइन भी बन गया है इस पर। अब ये बैक साइड है, इस पे हम बटन पट्टी बनाएंगे। ये 3 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ बटन पट्टी के लिए। अब हम इसकी सिलाई इधर नीचे से हम सिलाई करेंगे। यहाँ तक हमने निशान लगाया, यहाँ तक हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये देखें इस तरह से हम सिलाई करेंगे इसकी। ये निशान लगाया हमने, यहाँ तक हमें सिलाई करना है। ये हमने इसकी डबल सिलाई कर दी है। अब ये ऊपर से जो खुला हुआ है इसको हम मोड़कर इसकी बटन पट्टी बना देंगे। इसमें हमें पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी को फोल्ड करके इस तरह से इसकी पट्टी बना देंगे। इस तरह से हमने इसको मोड़ लिया है। अब हम इधर एक लूप बनाकर लगा देंगे पट्टी का। और ये फ्रिल है, पहले हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे। हम इसमें जोड़ लगाएंगे पहले सिलाई करके। ये देखें ये हमने जोड़ लिया है। अब हम ये नीचे की साइड से उसे बारी बारी मोड़ देंगे। तीनों पट्टियों को हम इसी तरह बारी बारी मोड़ेंगे। अब पट्टी की हम दूसरी साइड चुने डालेंगे। इस तरह से हम इसमें चुने डाल लेंगे। आप चाहें तो मशीन की बड़ी सिलाई करके धागा खींच के भी चुने डाल सकते हैं। ये देखें ये इस तरह से मैंने ये फ्रिल तैयार कर ली है। ये मुझे कुछ थोड़ा बड़ा लग रहा था तो मैंने इसमें से 2 इंच की पट्टी उतार दी है। ये देखें पहले इसकी 10 इंच लंबाई थी, मैंने 8 इंच की लंबाई रखी है क्योंकि ये मुझे बड़ा लग रहा था थोड़ा लंबाई में। पहले हम इसके दोनों साइड पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब ये दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाएंगे। अब ये फ्रिल है जो हमने तैयार की है, ये हम आपको रखकर दिखा रहे हैं कि हमें किस तरह से लगाना है। ये जिस फ्रिल की लंबाई हमने ज़्यादा ली थी वो हम नीचे लगाएंगे, फिर उससे थोड़ी बड़ी छोटी हमने करी थी वो हम दूसरे नंबर पे, और सबसे छोटी हम ऊपर के साइड लगाएंगे। हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। हम इसको डबल फोल्ड करके अब इस पे निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगाया, अब हमें इस पे फ्रिल लगाना है।
ये दूसरी साइड पे भी हमने निशान लगा लिया। अब इस तरह हम रखकर इस पे फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल को हम इस तरह से दूसरी साइड पे भी जोड़ेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसे जोड़ लिया है। ये दोनों तरफ हमने इसे जोड़ लगा लिया। अब हम इसको इस तरह रखेंगे। हम पहले ये ऊपर की साइड की फ्रिल जोड़ रहे हैं। ये फ्रिल का जोड़ और नीचे इसका घेर जो हम बना रहे हैं उसका जोड़ हमें इस तरह लगाकर हमें गोलाई में सिलाई करना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसकी सिलाई करके इस तरह जोड़ लिया है। अब ये दूसरी वाली भी हम इस पे जोड़ेंगे। ये जो हमने निशान लगाया है इस पे इस तरह रखकर इसे जोड़ेंगे। इस तरह हम इसे जोड़ेंगे गुलाई की शक्ल में। ये इस तरह हम निशान पे रखकर इसे सिलाई लगाएंगे। अब ये नीचे की साइड के हम जोड़ेंगे। दो फ्रिल हमने जोड़ ली। तीसरी फ्रिल को हम इस तरह रखकर जोड़ेंगे। ये अब हम इसके ऊपर नहीं, नीचे की साइड रखकर इसको जोड़ेंगे। इस तरह से हम इसे पूरी को जोड़ लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, हमने इसको जोड़ लिया है। ये देखें, हमने तीनों फ्रिल जोड़ ली हैं इसकी। ये देखें इस तरह से, अब ये योक है जो हम इसके साथ जोड़ेंगे। इसको पहले हम इसके नेक पे पाइपिंग और आर्म होल पे पाइपिंग लगा लेंगे। ये हमने उरे पट्टी काटी हुई है, इसकी पाइपिंग लगाएंगे इस पे। ये हमने पाइपिंग जोड़ ली है नेक पे और हम इस तरह इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये हमने इसमें पाइपिंग लगा ली है और यहाँ बटन के लिए हमने इस पर लूप लगाया है। अब हम योक के साइड में सिलाई लगाएंगे। आप इस तरह बराबर रख के इस पे निशान लगा लें। इसके बराबर रख के इस तरह से निशान लगाएं और फिर इस पे सिलाई लगा दें। ये बड़ा हुआ कपड़ा है, हम इसको काट देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है। अब हम ये इसके साथ जोड़ेंगे। पहले हम इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे। ये हमारे योक का साइड सीधा होगा। ये दोनों जोड़ मिलाकर हम इसके सेंटर में कट का निशान लगा लेंगे। ये हमने कट का निशान लगा लिया। अब योक पे भी हम सेंटर में कट का निशान लगाएंगे। ये हमने कट का निशान, हम दोनों निशानों को एक साथ मिलाकर रखेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से
इस तरह राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से हमने जोड़ लिया है। ये देखें, बैक साइड से भी देखें, इस तरह से हमने इसे जोड़ लिया है। और ये हमारी फ्रॉक तैयार हो गई। ये हमने बो बनाई है जो मैं इधर लगा दूंगी इसको सेंटर में। ये इस तरह से हम इसको इधर लगा देंगे, इसको अच्छी तरह पक्का करके। ये हमने इसे लगा दिया है, ये हमने बो लगा दी है इसमें, और ये हमारी फ्रिल वाली फ्रॉक तैयार हो गई है। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो हमें लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी।